एक्सट्रीमिज्म किसी भी तरफ होगा वो डेंजरस होगा। किसी मर्द की मुखालिफत करना ये मेरे नजदीक फेमिनिज्म नहीं है। तो वो अपनी हुदूद में रहकर कर सकती है वो करे। औरत हुकूक के लिए आप लोग एक अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक नई सोच के साथ जाते हैं, तो मिलजुल के काम क्यों नहीं होता? क्या 8 मार्च में जो मुतालबात मांग रही हैं, असल में देखा जाए तो ये हकूक हैं और जिम्मेदारियां हैं जो औरत पर आयद होती हैं। इस्लाम भी हमें यही दर्ज देता है, जैसे कि हमने आज के कुछ जो स्पीकर्स थे उन्होंने भी बात की, और इसी के मुताबिक एक हदीस है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयती, कि हर एक तुम में से राई और हर एक से उसकी रईयत के बारे में सवाल होगा। ठीक है, तो हमने देखना है कि नबी पाक ने और जो हमारी इस्लाम ने शरीयत ने जो हकूक दिए हैं, औरतों की क्या जिम्मेदारी रखी है और मर्दों की क्या रखी हैं। रीज़न तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो कोई इतना ख़ास नहीं है, थोड़ा सा एक उलझाव है जो हम इसका कह सकते हैं कि एक समझ में हमें वो बात नहीं आ रही क्या वो लोग कह रहे हैं या हम कह रहे हैं, तो समझ का एक डिफरेंस आ जाता है बाज़ दफ़ा। इसमें ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली गलत हैं या हम कम्प्लीटली गलत हैं, बट हमारा जो कल्चर है, जो हमारा दीन है, जो हमारा मज़हब है, वो हमें इजाज़त देता है काफ़ी चीज़ों की, और उसमें हमें एक